I am Sajal and I have mentored almost 200 rankers in last 4-5 years. We know what challenges you face, and that's why Civils Daily follows a personalized, student-centric and evidence-based approach through our mentorship program. Every student is assigned a dedicated mentor who helps you learn and apply the strategies of our past toppers. It has several sub-programs, prelims test series, mains test series, and the most helpful to me has been the mentorship program. मेरा मेंटोर मुझे, मैं 3-4 दिन उनसे टच में नहीं रहूंगा तो मेरे को 4 बजे मैसेज करेंगे, तुम्हारे जो टारगेट्स थे वो तुम्हारे अचीव हुए नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब मैं डिस्कस करता था. So I've been able to comprehensively improve my preparation with this program. रणदीप सर के साथ रहकर मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है. मुझे ये भरोसा है कि मैं प्रीलिम्स आने वाले में क्रैक करूँगा. हेलो एवरीवन, मेरा नाम उत्कर्ष द्विवेदी है और मेरी इस बार ऑल इंडिया रैंक 5 आई है. ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था. मैंने पहले 2019 में CSE 2019 में इंटरव्यू दिया था, बट कुछ नंबर से मेरा रह गया था. फिर लास्ट ईयर भी CSE 2020 में भी मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, बट कुछ कारणवश फिर से मैं 11 नंबर से रह गया था और इस बार 5th रैंक मेरी आई है. मैं रहने वाला अयोध्या से हूँ, यूपी से, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है कि पिताजी प्राइवेट सेक्टर में हैं, मैनेजर हैं, माताजी होम मेकर हैं और एक भाई है मेरा. और मैंने पढ़ाई, मुझे कई जो है राज्यों में रह के पढ़ने का मौका मिला क्योंकि पिताजी की ट्रांसफरेबल जॉब है, लेकिन मैंने अपना 12th DPS इंदौर से किया है. उसके बाद मैंने अपना BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है VIT वेल्लोर से, और मैं 2018 में ग्रेजुएट किया हूँ वहाँ से. उसके बाद फिर मैंने एक साल तैयारी की UPSC की 2018 से 19 तक, जिसमें मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी GS के लिए अलग और अपने ऑप्शनल के लिए अलग. उसके बाद 2019 में CSE में मैंने अपना पहला प्रयास दिया था. और अब इस जैसे इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो तीनों को लेके जो है अलग अलग विषय में मैं आप लोगों से अपनी जर्नी को शेयर करूँगा. तो जैसे अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स काफ़ी डायनामिक होता जा रहा है पिछले 2-3 सालों से, जो क्योंकि इसका ये भी प्रमाण है कि जो है उसके जो कट ऑफ है प्री की गिरती जा रही है. इस बार तो 87 कट ऑफ गई है, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करें. तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, एक मूल जो स्ट्रैटेजी मेरी रही है वो है प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजी. मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी, चाहे वो प्रीलिम्स हो. मैंने अपने पहले अटैम्प्ट में करीबन 70 राउंड पेपर लगाए थे प्री में, सेकंड अटैम्प्ट में मैंने 90 कुछ पेपर लगाए, थर्ड में कुछ, इस बार भी 60-65 के अराउंड मैंने पेपर लगाए थे. तो एक स्ट्रैटेजी ये थी कि 50 के ऊपर तो पेपर लगाने ही हैं. तो जब आप 5,000-6,000 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ के, उसका ऑप्शन पढ़ के आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये ऑप्शन सही हो सकता है कि गलत हो सकता है. और सबसे ज़रूरी तो ये होता है कि आप टेस्ट के साथ साथ आप UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं. मुझे ऐसा लगता है कि UPSC ने काफ़ी जो है बच्चों की हेल्प के लिए सारे क्वेश्चंस को जो है सामने रखा हुआ है, पेपर सामने है आपके. तो अगर आपको UPSC का पैटर्न समझना है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. आप चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, उसके पुराने 4-5 साल के आप पेपर्स को उठाइए. बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि UPSC का पैटर्न हर साल चेंज होता जा रहा है. तो अब जैसे अगर प्री आ रहा है तो मेरी इस बार ये थी कि 5 साल के पेपर 2017 से लेकर 2021 तक के प्री के पेपर को सॉल्व कर लिया जाए. और उससे ये होता है कि UPSC के क्वेश्चंस का और उनके ऑप्शंस का एक पैटर्न होता है जिसको कई बार समझने की बहुत ज़रूरत होती है. वो आप उसको ज़रूर करिए, खूब सारे आप क्वेश्चंस लगाइए. बिकॉज पेपर लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, पहली चीज़ तो आपकी पेपर लगाने की एक स्ट्रैटेजी बन जाती है, आप पेपर को पूरा करने लग जाते हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कई सारे नए क्वेश्चंस पता लगते हैं पेपर लगा के, क्योंकि आप किताबों में एक लिमिट के बाद आपको कोई नई नॉलेज नहीं मिल पाएगी, लेकिन अगर आपको वो नई नॉलेज चाहिए तो वो आपको उसी से मिल पाएगी. तीसरी चीज़ ये है कि जो उसमें क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट सीरीज़ में, वो भी कई बार नए क्वेश्चंस होते हैं, UPSC में भी नए क्वेश्चंस होते हैं. तो नए क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें, उस चीज़ को कैसे वहाँ पे टैकल करें, ये चीज़ पेपर से पता लग जाती है. और चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, मुझे ये था कि जब भी कोई पेपर में गलतियाँ होती हैं तो वो गलतियाँ हमें बहुत टाइम तक याद रहती हैं. तो इसलिए पेपर लगाना प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़रूरी है. और प्रीलिम्स में जब आप पेपर लगाएं तो आप उसको 2 घंटे एकदम बैठ के आप पूरे शिद्दत के साथ करें,
और एक OMR शीट अपने साथ ज़रूर रखें, बिकॉज OMR में गलती होने के कई बार बहुत चांसेस होते हैं और वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ आपका फ्यूचर वो एक OMR शीट डिसाइड करेगी। तो आप जैसे मैं तो ये करता था कि अगर जब पहला राउंड पूरा कर लिया, पेपर का दूसरा पूरा कर लिया, फिर लास्ट में जो है 10-15-20 मिनट OMR के लिए मैं रखता था। अच्छे से समय देके OMR भरें, जल्दबाजी में OMR मत भरें, नहीं तो आप पक्का गलती करेंगे। और ये एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें एक या दो क्वेश्चन में ही सारा खेल ख़त्म हो जाता है। आप लाइन क्या तो इस पार आ जाएंगे या तो उस पार चले जाएंगे। तो OMR को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, उसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। और प्रीलिम्स में यही करीबन एक स्ट्रैटेजी रहती है कि ज़्यादा आप पेपर लगाएं। प्रीलिम्स के बाद हम जो है मेंस की बात करते हैं। तो इस एग्ज़ाम का नाम ही जो है मेन है, और मेंस ही आपको जो है आपकी रैंक दिलाता है। जैसे मेरे केस में तो मेरे मेंस में इस बार अच्छे नंबर आए हैं, मेरा टोटल 871 है मेंस का, और उसमें एसए में मेरे 111 हैं, GS 1 में 118, GS 2 में 119, GS 3 में 92 और GS 4 में 117 नंबर हैं। तो मेरा GS का टोटल 446 है, जो कि एक अच्छा टोटल माना जाता है GS में, क्योंकि मेरे लास्ट ईयर 393 थे GS में। तो अब ऐसा हो गया है कि GS में काफ़ी ज़्यादा अब इम्पोर्टेंस उसकी बढ़ गई है, बिकॉज कुछ साल से देखा जा रहा है कि ऑप्शनल में बहुत नंबर नहीं आ पा रहे हैं लोगों के। तो और अब जैसा इस साल ऐसे आया है, ऐसे का पेपर आया है, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था पेपर, बिकॉज जो टॉपिक्स थे वो थोड़े से अलग से ऑब्स्क्योर टॉपिक्स थे, तो इसलिए GS का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो पहले पेपर को अगर हम लेंगे, ऐसे के पहले पेपर को लेंगे, तो ऐसे अब जैसा होता जा रहा है कि अब फिलोसफिकल टॉपिक्स काफ़ी आ रहे हैं, तो उनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी एक गलती ये थी कि मैंने पहले अटैम्प्ट में फिलोसफिकल टॉपिक्स को प्रैक्टिस नहीं किया था, हालांकि नंबर ठीक आ गए थे, बट ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप प्रैक्टिस मत करिए, आप ज़रूर करिए उनको प्रैक्टिस। और अपने ऐसे को अपने दोस्तों को दिखाइए, और कोशिश करिए उन दोस्तों को भी दिखाइए जो UPSC से रिलेटेड नहीं है, क्या वो आपका ऐसे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। आपका ऐसे जितना सिंपल होगा, आपके ऐसे में उतने ज़्यादा नंबर होंगे, ये एक है जनरल रूल। और ऐसे को आप कोशिश करिए कि मुझे लगता है दो चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसे में, वो ये हैं कि स्टिकिंग टू द टॉपिक, जो पूछा है आप वो लिख रहे हैं ऐसे में, और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो होती है ऐसे का फ़्लो। वो एक पानी पीने के तरीके से होना चाहिए कि कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं लगना चाहिए उस ऐसे के बारे में। तो आई थिंक अगर ये दोनों होता है तो UPSC आपको एटलीस्ट 120-125 एक डिसेंट मार्क्स आपको ज़रूर देगा, और उसके ऊपर जैसा आपको आपके नंबर आ जाए। और अब जैसे GS को अगर हम उठाएंगे, तो GS 1, 2, 3, 4 की अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं। GS अगर हम 1 को लेंगे, तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो है सोसाइटी काफ़ी पूछा जाता है, अर्बनाइजेशन, ये सब टॉपिक्स होते हैं। तो इसमें ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि जो आप प्री के लिए पढ़ते ही हैं, तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद होते हैं, बिकॉज हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कई बार फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो फैक्ट्स को आप ज़रूर इंटीग्रेट करिए अपने आंसर्स में जब आप पॉइंट्स में लिखें। और जब आप ज्योग्राफी कर रहे हैं तो डायग्राम्स को ज़रूर जो है इनकॉर्पोरेट करिए। और जब सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं सोसाइटी में, आप भले आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी ना हो, लेकिन आप GS के भी स्टूडेंट हैं, तो कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जिसको आपको यूज़ करना चाहिए सोसाइटी में, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आप उसको ज़रूर यूज़ करिए। और GS 2 में अगर हम बात करें, तो GS 2 में भी आप पॉलिटी है और जो है इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो GS 2 बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड है, तो आप जो भी अपने पॉइंट्स लिखें, अगर स्पीकर पे क्वेश्चन है या गवर्नर पे क्वेश्चंस हैं, तो आप कोशिश करिए कि कोई आर्टिकल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, या कोई जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होनी चाहिए उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए, और किसी एग्जांपल से उसको ज़रूर रिलेट करिए। और GS 3 में भी आप यही लगभग अप्रोच रहती है, बिकॉज वो बहुत डायनामिक पेपर होता है, बहुत बड़ा उसका सिलेबस होता है। लेकिन GS 3 में भी जो एक इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, आप कोशिश करिए कि कुछ कुछ जो की टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, जैसे फिस्कल डेफिसिट है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कमर्शियल बोरोइंग है, ये सब कुछ कुछ वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल टर्म्स हैं जो आए दिन न्यूज़पेपर्स में यूज़ किए जाते हैं, आप उसको यूज़ करिए। आप कुछ डायग्राम्स बना सकते हैं इकोनॉमिक्स में, कुछ ग्राफ्स के रिलेटेड, कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, GDP कैसे बढ़ रही है, घट रही है। और GS 4 की अगर हम बात करें, तो इस बार मेरे उसमें ठीक नंबर आए, 117 आए हैं। और GS 4 में मुझे लगता है कि आप तीन चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप GS 4 बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि कोई आपको पर्टिकुलर कुछ की टर्म यूज़ करना है, या बहुत ज़्यादा कोई स्कॉलर यूज़ करना है, या बहुत ज़्यादा कोट यूज़ करना है। जितने याद हो सकते हैं याद करिए, जितने नहीं हो सकते हैं कोई आप उस बात का आप अपने ऊपर टेंशन मत लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि GS 4 में आप एग्जांपल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करिए, और एग्जांपल वाली जो चीज़ है इसको आप अक्रॉस द पेपर्स करिए, नॉट जस्ट इन GS 4। GS 4 में थोड़ा उसका ज़्यादा एक वेटेज बढ़ जाता है। और एक जो मैंने स्ट्रैटेजी मैं करता था, मैंने जो लास्ट ईयर दिव्या मिश्रा मैम है, उनके बहुत अच्छे नंबर थे GS में,
तो मैंने देखा था कि वो लगभग हर पॉइंट को एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करती हैं। तो इस बार मैंने भी ये कोशिश की कि मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ आगे एक एग्जाम्पल को भी लिखूँ। और जब मैं पॉइंट लिखता था तो उसके साथ एग्जाम्पल नहीं लिखता था, मैं पॉइंट के नीचे उस एग्जाम्पल को अलग से हाईलाइट करके लिखता था ताकि एग्जामिनर को दिख जाए कि इसने पॉइंट को एक एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट किया है। तो ये लगभग मेरी जीएस की स्ट्रैटेजी रही है। तो प्रीलिम्स और मेंस के बाद जो तीसरा स्टेज आता है वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट का। और मैं डेलिबरेटली ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज कई बार हम लोग उसको इंटरव्यू कहते हैं लेकिन वो टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी है और ये यूपीएससी भी यही कहता है। और मैंने मुझे सौभाग्य प्राप्त मिला कि मैं तीनों अटेम्प्ट में अपने इंटरव्यू तक पहुँच पाया हूँ। और मैं जैसे इंटरव्यू की अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो इंटरव्यू को भी आप एक स्टेज मानिए इंपॉर्टेंट, और उसमें भी एक अच्छी खासी पढ़ाई की ज़रूरत है। भले वो पर्सनालिटी टेस्ट है लेकिन जो आप पढ़ेंगे वही आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होगा। तो आप अपने डाफ को उठाइए और डाफ का एक एक टर्म जो होता है, आपका नाम उसका क्या मतलब है, आपका सरनेम उसका क्या मतलब है, आप अगर आप इतने डेट को पैदा हुए हैं तो उस दिन क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, आप जहाँ रहते हैं उसका क्या महत्व है, आप जिस राज्य से आते हैं उसका क्या महत्व है, उस राज्य की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। और ऐसे आप अलग अलग नोट्स बना सकते हैं। और मैंने जैसे एवरनोट में यूज़ करता था नोट मेकिंग के लिए, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, ऐसे आप भी टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए इसके लिए, अपने स्टेट को लेके, अपने ग्रेजुएशन को लेके, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके और जो जो करंट में हो रहा है उसको लेके। और जैसे क्या होता है कि हम लोग जनरली एक या दो न्यूज़पेपर जनरली पढ़ते हैं अपनी प्रिपरेशन में, लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है कि जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, चार पाँच लोग, जो पाँच लोग बैठे होते हैं, दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड एंड वाइज पीपल, और पढ़ने के शौकीन लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो लोग, तो उनको दुनियादारी में, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत चीज़ों का उन्हें ज्ञान रहता है। तो वो खैर आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लेकिन एक डिसेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। तो इंटरव्यू के दौरान मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप न्यूज़पेपर्स बढ़ा दीजिए कंजम्पशन, 5-6 न्यूज़पेपर्स का आप कंजम्पशन करिए उस समय, ताकि आपको पता रहे कि आप हर चीज़ कवर कर ले जाएँ, और वहाँ पर आपसे कुछ पूछा जाए तो आपका एक ओपिनियन रहे कुछ चीज़ों को लेकर। हाँ, वो ओपिनियन कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली सही होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ जैसे कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं जो मुझसे पूछे गए थे, तो क्योंकि मैं अयोध्या से हूं तो मुझसे वहां से क्वेश्चन पूछा था कि जब ये बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन था जिसका ऐसे एकेडमिक से कोई लेना देना नहीं था, कि चौबे सर जी ने, मेरे जो बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि भाई श्री राम तो जब जाने लगे तो सब अयोध्या वासियों को बैकुंठ लेके चले गए, तो ये वाले कौन से जो है अयोध्या वासी हैं। तो मैंने कहा कि सर उनके जाने के बाद कुछ लोग होने चाहिए जो राम राज्य की बातों को आगे बढ़ाएं, तो हम लोग वही वाले अयोध्यावासी हैं। तो हंसने लगे। तो कई बार क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है। या मेरे पहले इंटरव्यू में भी चौबे सरकारी बोर्ड था तो तब एक मेंबर ने मुझसे पूछा था कि उत्कर्ष, व्हाट डू यू थिंक, इज डोनाल्ड ट्रंप अ डेमोक्रेट और एन ऑटोक्रेट? तब मैंने उनको कहा था कि सर आई थिंक ही इज़ अ रिपब्लिकन। तो तब वो हंसने लगे थे। तो इंटरव्यू में जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जो चेयरमैन होते हैं वो आपको बहुत रिलैक्स करते भी हैं कि देखिए, जैसे मुझे चौबे सर ने कहा था, ये कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आप एक स्कॉलर हैं, आप यहाँ तक पहुँचे हैं और हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ के लिए, तो यहाँ से सिर्फ आप नहीं, हम भी आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो जब सामने से इतना आपको जो है बोला जा रहा है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए इंटरव्यू में। और जो स्ट्रेस का पॉइंट है वो मैं ये भी बोलूँगा कि सिर्फ इंटरव्यू की बात नहीं है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, आई थिंक दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट हैंडलिंग स्ट्रेस। बिकॉज ये जिस पोजिशन के लिए आप आ रहे हैं, आप IAS बनना चाहते हैं, IPS, IFS, तो कई बार बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती हैं सिचुएशंस, बिकॉज इंडिया एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, उसको गवर्न करना एक डिफ़िकल्ट चैलेंज होता है। तो अगर आप बहुत स्ट्रेस में चले जाएंगे तो फिर आप चीज़ों को सही से सोच समझ के उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ मैं बहुत एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी स्टेज हो इस एग्ज़ाम की, आप बहुत स्ट्रेस मत लीजिएगा। बिकॉज वो होता है कि जब पानी स्थिर होता है तभी आप गहराई में देख पाएंगे, उसके नहीं तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो ये इंटरव्यू की मेरी प्रिपरेशन रही है। अब जैसे कुछ मिसलेनियस बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जो प्रिपरेशन में हेल्प करती हैं। तो पहली चीज़ है कि कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज हम जो प्रेफर कर सकते हैं, तो पहला तो मैं DKT ही बोलूँगा, बिकॉज DKT पे मैंने कई सारे वीडियोज़ देखे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, सबके लिए जिन टॉपर्स ने इस एग्ज़ाम को निकाला उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की हैं। या आप सनसेट TV देखिए, उस पर बहुत अच्छी डिबेट्स आती हैं। या और भी कई सारे चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं आज के टाइम में, आप उनको ज़रूर देखिए। और आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं इस एग्ज़ाम में, वो बहुत ज़रूरी होता है। और ये चीज़ मैं करता था, मैं अपने पहले अटैम्प्ट से, और मैं तो बोलूँगा फ्रॉम Day 1 ऑफ माई प्रिपरेशन, मैं अपने स्टडी आवर्स को ट्रैक करता था कि आज मैंने कितने घंटे पढ़ाई की है। बिकॉज यू कैन नॉट इम्प्रूव वॉट यू कैन नॉट मेजर।
तो आप जब तक आपको पता ही नहीं होगा पढ़ कितना रहे हैं तो आपको पता नहीं लगेगा कि अब और कितना हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, ईला त्रिपाठी मैम हैं जो IAS हैं, तो उन्होंने एक मंत्रा दिया था 10 for 1। उन्होंने कहा था कि अगर आप 10 घंटे एक साल तक लगातार पढ़ सकते हैं तो यू आर गुड टू गो। एंड आई थिंक ये सही भी है, बिकॉज मैंने उस चीज़ को फॉलो किया और मैं एटलीस्ट इंटरव्यू स्टेज तक तो पहुँचा ही था अपने पहले अटैम्प्ट में। तो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई को रखिए, कंसिस्टेंट रखिए, वो ज़रूरी होता है। और अपने आप टाइम को मैनेज करिए। आप कैसे मैनेज करेंगे कि आप अपने लिए ब्रेक्स ज़रूर ढूंढिए। शाम को आप जैसे मैं क्या करता था, मैं कुछ इवनिंग वॉक्स वगैरह ले लिया करता था, दोस्तों से बात कर लिया, नीचे गए चाय पी लिया, तो इससे कहीं ना कहीं एक जो है डी-स्ट्रेसिंग हो जाती है। उसके बाद आप एक ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो कभी भी इन सब चीज़ों को इग्नोर मत करिए, ठीक है। आप अपने प्रिपरेशन को बैलेंस्ड रखिए। और सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, कितना यूज़ करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, देखिए 21st सेंचुरी में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिकम अ हर्मिट। आप सन्यासी नहीं बन पाएंगे। आपको पता होना भी चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तभी आप जो है एक इन्फॉर्म सिटीज़न और एक इन्फॉर्म ब्यूरोक्रेट बनेंगे। और तो सोशल मीडिया को आप ये रखिए कि जो न्यूज़ एज अ न्यूज़ सोर्स ऑफ न्यूज़ उसको यूज़ करिए। आप बहुत हाइपर एक्टिव मत रहिए सोशल मीडिया पे, और कोशिश करिए प्रीलिम्स और मेंस के आसपास मत उसको यूज़ करिए। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए, और मेंस के बाद जो समय मिलता है फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और इस कोचिंग नेसेसरी फॉर दिस एग्ज़ाम, अब ये तो अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने की है कोचिंग, तो मैं ये नहीं कहूँगा या नहीं कह सकता कि आप मत करिए। वो आपका डिसीजन है। मैंने की थी और मुझे फ़ायदा भी हुआ है कोचिंग का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एनी एडवाइस जो मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहता हूँ, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इस एग्ज़ाम में हार्डवर्क भी है, लक भी है, और हमारे हाथ में सिर्फ हमारा हार्डवर्क होता है। तो आप मेहनत करिए और भगवान पे भरोसा रखिए। जब मेरा भी 2 बार नहीं हुआ था इंटरव्यू तक पहुँच के, तो मुझे भी लगता था कि शायद मेरा बहुत लक ख़राब है, या शायद मैं पता नहीं डिज़र्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ, या मेरा क्यों नहीं हो रहा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन। लेकिन कई बार जो है, मतलब भगवान आपके लिए बहुत अच्छा सोचा होता है, जो शायद आप भी नहीं सोचे होते हैं। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी 5th रैंक लाऊंगा इस एग्ज़ाम में, बट वो आ गई। तो आज मेरी आई है, कल आपकी भी आ सकती है। तो इसी भरोसे के साथ आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए अपनी।